आप देख रहे हैं डेली मिरर और मैं हूं स्वाति। खुशियों के बीच कहलगांव में मनाई गई ईदगाह में लोगों ने की नवाज अदा। आज कहलगांव के ईदगाह में सुबह 8 बजे नवाज अदा की गई। इस अवसर पर कहलगांव शहर के पूरब टोला स्थित ईदगाह में सुबह से ही नवाजियों की भीड़ लगी रही। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां। मौके पर कहलगांव विधायक सदानंद सिंह, एसडीएम सुजय कुमार सिंह, लोग आराधना करते हैं या प्रार्थना करते हैं या इबादत करते हैं और बड़ा कष्टमय पर, लेकिन अल्लाह सारे दरवाजों को खोल देता है परिवारों के लिए जो निश्चित रूप से रोजा रखता है इबादत, और ढेरों सारे खुशियां अल्लाह दे। और यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव बिहार और देश में बनी रहे, यही आज के इस शुभ अवसर पर मैं जनता से कहता हूँ। कहलगांव शहर में ईदगाह में जो ईद की नमाज अदा की गई, इंतहाई खुशी के साथ इस मैदान में नमाज अदा की गई ईद उल फित्र की, और सभी जितने भी मुसलमान भाई थे और उसमें बाहर हमारे जो बिरादरान वतन हिंदू भाई हैं वो भी इस खुशी में शामिल हुए, और सब ने दो रिकात नमाज अदा करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है। सब लोगों को ईद मुबारक, सभी जनता को ईद मुबारक, और इसी तरह से अमन चैन कायम रहे। सहित अन्य गणमान्य लोगों ने ईदगाह पर पहुंचकर लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। रमजान में और सब लोग रोजा रखते हैं, एक दूसरे के दुआ करते हैं, हर ईदगाह में आके हम लोग नमाज अदा करते हैं, और सब अपने भाईचारा सब आपस में गले मिल के सब लोग हम लोग सारा लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं ईद उल फित्र का, ईद का कि हम लोग मतलब सारे सालों भर इसी तरह सब समुदाय मिलकर आपस में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर पढ़ते जाना है। यहाँ आके नमाज सलाम पढ़ते हैं, खुतबा के बाद हम लोग आपस में भाईचारा गला मिलते हैं, और अपने देश का पैगाम ये जाता है कि हम लोग में इतनी बड़ी मोहब्बत है कि हम लोग आपस में एक का मिल के चाहे हिंदू मुसलमान हम लोग सब में भाईचारा आए। और कहलगांव का भी बहुत बड़ा सिचुएशन है कि हम लोग आज तक कोई ऐसा बात नहीं, आपस में हम लोग मिलजुल के एक साथ रहे, और हमारे बड़े भाई साहब को सदानंद बाबू हम लोग ऊपर आज ईदगाह में आए बात है। मुझे ये खुशी है कि ऊपर वाले इस सिचुएशन को हमेशा और दुनिया में हम अमन चैन की काम करें। ठीक, कहलगांव में सभी हिंदू मुस्लिम मिल करके ईद मनाते हैं और महीनों तक रोजा रखते हैं। भगवान अल्लाह इनके सारे मनोकामना को पूर्ण करें। और खबरों में बने रहने के लिए डेली मिरर को सब्सक्राइब करें एवं हमेशा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।